देखिए देश की मानसिकता, ओबीसी जैसे लोगों ने देश की मानसिकता ऐसी मानसिकता कर दी है कि लोगों के दिलो दिमाग पे, ओबीसी जी सांसद है, मेरे कलीग है, लेकिन जब राष्ट्रीय गान होता है वो सदन से निकल जाते हैं, ये क्या भाव। और मैं बड़े दुखित मन से कहना चाह रहा हूं कि आज चंदन गुप्ता के जगह पर कोई मोहम्मद इस्माइल होते तो पूरी मीडिया में 24 घंटा बहस चलता, लेकिन बहस का टॉपिक दूसरे ढंग से एंगल बदल गया। ये देश की मानसिकता को बदलनी पड़ेगी। आज ये क्या गलत कहा, आज मैंने सुना कि किसी ब्यूरोक्रेट्स ने भी टिप्पणी लिखी है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद क्यों कहते हैं। मैं कहता हूं पाकिस्तान मुर्दाबाद हम इसलिए कहते हैं कि हमारे जवानों को गोली मारता है, हम क्रॉस बॉर्डर से टेररिज्म फैलाता है, तो हम क्या पाकिस्तान जिंदाबाद कहें। अगर पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने पर कोई किसी की हत्या कर दे, अभी नीचे मैं भारत माता की जय कह रहा था, स्वामी जी कहे कि देखो भाई कहीं से गोली तो ना आ जाए। ये आज देश का माहौल किसने बनाया, ओबीसी जैसे लोगों ने देश के माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहा, कांग्रेस जैसे लोगों ने देश का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहा, आजम खान जैसे लोग देश का माहौल बिगाड़।